सबसे पहली हत्या जो मैंने देखी वो मुझसे कुछ फुट की दूरी पर हुई थी जब मैं दूध लेने गया था। मैंने सिर्फ 10 फुट की दूरी से देखा उसे। उन्होंने उसे 7 बार गोली मारी थी और मैंने एक के बाद एक बहुत सारी मौतें देखी अपनी ज़िंदगी में। साउथ ब्रॉक्स की सड़कों पर आपको एक हत्यारा, एक लूटमार करने वाला और एक बहुत चालाक इंसान बन के जीना होता है। मेरे पिता की तरफ के लोग तांत्रिक और भूत सिद्धि करने वाले थे। हम तंत्र मंत्र और भूत सिद्धि करते थे। हमारा कॉन्टैक्ट खुद शैतान से था। मुझे याद है कि मेरे पिता कमरे में जाया करते थे शैतान की पूजा करने के लिए और मैं शैतान की उपस्थिति को भी महसूस कर पाता था। और मेरे पिता आराधना करते थे, टंग्स में बोलते थे, शैतान की अन्य भाषाएं बोला करते थे दुष्ट आत्माओं की, और वहां वो फूल चढ़ाते, कैंडल जलाते और पानी डालते थे। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं एक डीमोनिक चर्च में जाता था जहाँ तंत्र मंत्र भी सिखाया जाता था। मुझे ट्रेंड किया जा रहा था, मैं ट्रेंड हो रहा था तांत्रिक बनने के लिए। मुझे भूत सिद्धि करने वाली जादूगरनी औरतें जो 30 साल से 40 साल से 50 साल से अपने धर्म में लगी हुई थी ये सिखा रही थी कि कैसे बात करनी है प्रिंसिपैलिटीज से, शैतान से, जमीन वाली दुष्ट आत्माओं से। आप शैतान से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको पहले अधिकार कमाना होगा। जो सबसे पहली बार भयानक हत्या हुई थी जो मैंने बताया वो यहाँ इस घर में हुई थी। हस्बैंड ने 52 बार पत्नी को चाकू मारा था और उसके सर को काट के अलग कर दिया था। हम उसकी बेटी के साथ खेला करते थे, इसलिए जब हम उसे छोड़ने आए यहाँ पर तो वो यहाँ खड़ी थी और उसको पता चला कि उसकी माँ इस तरह से टुकड़ों में काटी गई। इसी घर में हुआ था ये। एक बार मैं अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो वहाँ एक पास्टर आए, एक बैंड भी उनके साथ आया था और वो गाना गाने लग गए, लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ बड़ा अद्भुत माहौल बन गया। पूरे स्कूल में एक खुशी की लहर दौड़ गई और मैं एक टूटे हुए परिवार से आया था। वहाँ पास्टर स्टेज पे खड़े होकर बाइबल की कुछ बात बता रहे थे, बाइबल की कहानियाँ बता रहे थे, परमेश्वर कैसे सबसे प्यार करता है और वो यही सब बता रहे थे। पहली बार मैं थोड़ा सा जुड़ा कि वाह, शायद परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। हो सकता है परमेश्वर को मेरी या मेरे परिवार की ज़रूरत है। शायद परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को छूना चाहता है, हमारी परिस्थिति बदलना चाहता है। मुझे भी थोड़ा प्यार मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है। और वो मेरी तरफ चलते हुए आ रहे थे और मुझे पहली बार प्यार बहुत महसूस हो रहा था, इतना कि मैं समझा नहीं सकता। और ये पास्टर स्टेज से उतर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, उन्हें छू रहा था और मुझे लगा कि अब मेरी बारी है, अब ये पास्टर मुझे छुएगा और अब यीशु मुझे कबूल करेंगे और मुझे जताएंगे कि प्यार होता क्या है। और ये पास्टर मेरे बगल से चले गए, उन्होंने मुझे कभी नहीं छुआ, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं छुआ। वो नीचे लाइन तक आए, मेरे पास आए और मेरे पास से गुजर गए और दूसरे लोगों को छुआ। मुझे लगा ओह, यीशु ने भी प्यार नहीं किया, पिता ने प्यार नहीं किया, मेरा घर परिवार भी टूटा हुआ है। यीशु को शायद अच्छा लगता है कि मेरी माँ मार खाती है, मेरे भाई और मैं भूखे सो जाते हैं, उससे शायद अच्छा लगता है कि हमारे अपार्टमेंट में लाइट नहीं है, हम स्कूल में मिसफिट हैं, उसे हमारा स्कूल आना भी अच्छा नहीं लगता। ये जो यीशु है ना, ये भी मेरे बाप की तरह ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये भी मेरे पिता जैसे ही हैं। और मैं टूटा हुआ और बड़ा उदास अपने घर पहुंचा और मुझे याद है 1 या 2 हफ्ते बाद लगभग मैं स्कूल के बाहर थोड़ी मस्ती कर रहा था, अपने दोस्तों के साथ मज़े ले रहा था और मैंने सुना कि कुछ नीचे गिरा। वो एक वुडू नेकलेस था, मैंने उसे उठाया और पहन लिया। उसमें बहुत सारे रंग थे और ये नेकलेस ही मेरा शैतान के साथ पहला कॉन्टैक्ट था। कुछ समय के बाद हम टैरो कार्ड रीडिंग करने गए। वहाँ मैं जब गया तो मैं लगभग 10 साल का था, मैं छोटा ही था। वहाँ पर जो औरत भूत सिद्धि करती थी, टैरो कार्ड रीडिंग करती थी, वो विच लेडी, उसने मुझ में अपनी आँखें बिल्कुल धसा दी, वो बिल्कुल मुझ पर फिक्स हो गई। हमें ये लड़का चाहिए, हमें ये लड़का चाहिए ही चाहिए, हम इसे सेंटेरिया का रिसर्च करने वाला बनाएंगे और ये स्पिरिचुअलिज्म को भी आगे बढ़ाएगा। स्पेनिश में आत्माओं की साधना करना डिमोनिक है और सेंटेरिया संतों की पूजा कहलाती है, लेकिन वो है दुष्ट आत्माओं की पूजा। और अगर ये तुमने हमें नहीं दिया तो ये 30 दिन में अपनी आंखें खो देगा। मेरी माँ माँ होने के नाते मान गई और उसने अपना फर्नीचर बेच दिया, उसने अपना बेडरूम सेट बेच दिया सिर्फ $250 जुटाने के लिए ताकि मेरी पहली सेरेमनी हो। इस औरत ने मेरी माँ के दिल में बहुत डर बिठा दिया था और मेरी माँ जमीन पर सोने लग गई क्योंकि उसके पास बेड नहीं था और वो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी आंखें खोएं। तो इन लोगों ने मुझे अंधकार की दुनिया में आगे बढ़ाया जब मैं 10 साल का था। फिर पहला एनकाउंटर जो मेरा हुआ, मैं जब 10 साल का था वहाँ डेविल आया और उसने ऑफरिंग भी कबूल कर ली। मेरी ज़िंदगी अब शैतान को सौंप दी गई थी और उन्होंने मेरे गले में 5 मालाएं पहनाई। ये 5 तरह की बड़ी दुष्ट आत्माएं थीं जो आसमानी मकामों में रहती हैं, ये शैतान के नीचे होती हैं। उन्होंने ये मेरे गले में पहना दिया जिन्हें सेंटेरिया कहते हैं।
उन्होंने कहा कि यही रूहें आज से तुम्हारी मदद करेंगी और ये तुम्हारे स्पिरिचुअल गार्डियन एंजल्स हैं और अब से यही तुम्हारी आगे को फिकर करेंगे। ये जो कोने की बिल्डिंग आप देख रहे हैं इधर इस कोने की, ये पूरी लगभग खाली रहती थी और मैं और मेरा भाई यहाँ ऊपर से उतर करके और पंप से पानी लेने जाते थे। ये वाला पंप था वो, ये खाली थी और ज़्यादातर अपार्टमेंट यहाँ के खाली ही थे और मैं और मेरा परिवार ही सिर्फ यहाँ रहते थे। मेरा जो पूरा चैपल था वो इन्हीं सब कामों में लगा हुआ था। वो शैतान की पूजा करते थे और हम डिमोनिक चर्च में जाते थे शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। भूत सिद्धि वाली औरतें और तांत्रिक हमें सिखाते थे, वो बुलाना सिखाते थे, नियम कायदे और अधिकार के विषय में सिखाते थे। इस जगह को कौन देखता है, ऊपर हाकिम कौन है और यहाँ की प्रिंसिपैलिटीज का नाम क्या है और किस तरह से हमारा चैनल काम करता है। 13 साल का होते होते मुझे शरीर से आत्मा को अलग करना आ गया था और मैं शरीर घर में छोड़कर स्पिरिट रेल में निकल जाता था अलग क्षेत्रों में और जाकर वहाँ श्राप बोलता था। अंधकार का साम्राज्य बढ़े और आस पड़ोस श्रापित हो जाए, यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी आ जाए, यहाँ पर डीमंस आ जाए, यहाँ पर स्पिरिट ऑफ मर्डर, स्पिरिट ऑफ सुसाइड आ जाए। मुझे अपने आस पड़ोस में ये सारे चैनल्स चलाना आ गया। 15-16 की उम्र आते आते मैं हॉस्पिटल्स में जाके ICUs में मौत हो जाए ऐसा बोलता, दूसरे कमरों में मौत हो, ये इंसान मर जाए ताकि डेविल की नज़र में मेरा लेवल या मेरा ओहदा और बढ़ सके और मैं न्यूयॉर्क सिटी का सबसे बड़ा डेविल वर्शिपर बनना चाहता था। शैतान मेरा बाप बन गया, उसने मेरे बाप की जगह ले ली क्योंकि मैंने ऐसी दुआ की थी कि मेरे बाप को मार दो। 33 साल की उम्र में मेरे बाप को चेहरे पर गोली मार करके ख़त्म कर दिया था एक नाइट क्लब में एक औरत की वजह से जब वो घर आ रहे थे। शैतान ने उन्हें ले लिया और उसने कहा कि मैंने पुराने से नए को बदल दिया है और ऐसे डेविल मेरा बाप बना। एक क्लब था इस जगह पर और वहाँ मेरे बाप को मारा गया था जब उनकी उम्र 33 साल की थी। मैंने बताया था ना कि जब मैं छोटा था लगभग 11 साल का था तो यहाँ पर एक कॉर्नर पर स्टोर हुआ करता था इधर साइड। जब मैं दूध का गैलन लेने गया था मेरे सामने उस आदमी को मारा गया था। शैतान का पुजारी होने से मेरा ओहदा अब बढ़ चुका था और इतना बढ़ गया था कि मैं प्रिंसिपैलिटीज़ को और दुष्टात्मा को इधर से उधर भेज सकता था और मैं जैसे आपके साथ यहाँ बैठा हूँ ऐसे मैं शैतान के साथ बैठा करता था और वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता था। उसकी उपस्थिति आती थी और मैं सारी रात उससे बात करता था और वो मुझको असाइनमेंट्स देता था। मैं अच्छे क्लब्स में और लॉन्ज में जा करके चेक करता था कि किसको मैं अंधकार के साम्राज्य में ला सकता हूँ। मैं उनको उनका भविष्य बता देता था, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया है और उनके साथ क्या होने वाला है ये सब बता देता था। उन्हें बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं बस दुष्टात्माओं की शक्तियों से भरा था। मैं खून भी चखा करता था, हर हफ्ते मैं जानवर को काट कर उसका खून पीता था और कभी समय नहीं हुआ या पैसे नहीं हुए तो खुद का हाथ काट करके खुद का खून पी लेता था। हमारे ग्रुप में और जिन लोगों के साथ मैं था वो सब डीमन से जुड़े हुए थे, उनमें डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, उसमें प्रिंसिपल्स और जजेस और पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे जो जादू टोने में लगे हुए थे, सिंगर्स जो आज की डेट में बहुत मशहूर हैं वो भी थे। मैं एक हवा के हाकिम को दूसरी जगह भेज सकता था, नीचे ज़मीन की दुष्ट आत्माओं को दूसरी जगह भेज सकता था ताकि उस जगह की चर्च बंद हो जाए, चर्च की ग्रोथ बंद हो जाए और लोगों के सेव होने के सारे मौके छिन जाएँ। कभी कभी मैं शराब में धुत होकर के दुष्ट आत्माओं से इतना भर जाता था कि सड़क के बीच में खड़ा होकर के परमेश्वर से कहता था, सुन तुमसे भी थोड़ा उलझना चाहता हूँ, आओ थप्पड़ मारूं या थूक दूं तुम्हारे मुंह पर, आओ भिड़ के दिखाओ नीचे। मेरी शादी भी हॉलोइन पे हुई थी, शादी भी डिमोनिक थी जो मैंने हॉलोइन पे की थी। दूसरी प्रिंसिपैलिटीज के डीमंस आए थे मेरी शादी में, कोई इंसानी जात मेरी शादी में नहीं आई थी, वो सब मेरी शादी में आने से डर रहे थे। मेरी शादी बड़ी अजीब थी, मैंने लोगों को इनविटेशंस भेजे, कोई दिखाई ही नहीं दिया तो कोई वेडिंग गिफ्ट नहीं, लेकिन हाँ दुष्ट आत्माएं आई थी मेरी शादी में और उन्होंने ही बैप्टिज्म दिया। तो मेरी पत्नी और मैं हम दोनों ही तंत्र मंत्र करते थे और हम अपनी बेटी को भी वही बनाना चाहते थे। मुझे याद है पहली बार जब मुझे इंसान की कुर्बानी करनी थी तो डेविल मेरे साथ कार में अंदर बैठा हुआ था, उसने कहा मुझसे प्यार करते हो, मैंने कहा ऑफकोर्स डैडी। उसने मुझसे कहा कि छत के ऊपर एक आदमी है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आया है, तुम्हारा पैसा चुराने आया है, तुम उसे मेरे लिए मार दो अगर प्यार करते हो तो। तो मैं छत की ओर ऊपर जाने लगा, मुझे याद है मैं 12वें माले में रहता था और जब मैं छत के ऊपर पहुंचा तो वो छत के पीछे वाले हिस्से सीढ़ियों पर छुपा हुआ था और ये आदमी 6 फुट 5 इंच का, वो लगभग 250 पाउंड का होगा। मैं डीमन पजेस्ड हो गया था और मेरे अंदर दुष्टात्मा गई मैंने महसूस किया और अब मैं नहीं रह गया था। मैं उसे पकड़कर अपने अपार्टमेंट में ला के उसे चाकू मारना चाह रहा था क्योंकि मेरे पास एक कार्डोन पॉट था जो लगभग 100 पाउंड का होगा, उसमें 9 तरह के हथियार लगे थे जो 9 अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता था।
और जैसे ही मैं उसे पकड़ने चला और उसे अपार्टमेंट में खींचने लगा, बस मेरे हाथ से फिसल गया और गायब हो गया। वो नीचे स्टोरवे के पास कूद गया, वो ऐसा जैसे ओलंपिक के एथलीट कूदते हैं करके कूद गया। वो कूदा और गायब ही हो गया। मैं उसे पकड़ नहीं पाया तो मैं बहुत निराश हो गया। मैं अपनी पहली इंसानी कुर्बानी नहीं कर पाया। लोगों ने इसके ऊपर देखो कुछ लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर एक डीमन है, ध्यान से देखो। ये वो डीमन है जो नर्क के दरवाजे की देखरेख करता है। इसी के बारे में मैं बता रहा था अपनी किताब में, वो सेंटेरिया वाली, यही है छोटा वाला दुष्ट आत्मा। ये वो दुष्ट आत्मा है जो हेटी को चलाती है। हेटी के ऊपर जो प्रिंसिपैलिटी है ना, वो यही है। और वहां पर जो वो वाला है ना, वो इस्लाम के ऊपर हाकिम है। अब यहां आगे आओ, ये देखो लोगों को फंसाने के लिए द ट्रुथ। क्या हंसी आ रही है? सच, ये तुम्हें आजाद करेगा। ये देखो, ये भी ऊपर लगाया है ताकि लोगों को लगे कि ये भी इसी का हिस्सा है, मतलब ये इसका हिस्सा है। ये जगह कौन सी है? इस जगह को बोटैनिका कहते हैं। ब्रॉन्क्स में जो लोग रहते हैं वो अगर जादू टोना तंत्र मंत्र करना चाहते हैं तो यहीं से सामान खरीद के ले जाते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए या मारने के लिए। आओ हम अंदर चल सकते हैं। अगर मैंने कह दिया आप 30 दिन में मरने वाले हो तो 30 दिन में तुम मर जाओगे, तैयारी कर लो। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि आप कहाँ काम करते हो, आप किसे जानते हो। आई डोंट केयर कि आप अपने आप को क्या बुलाते हो। आप कहो आप कैथलिक हो, आप क्रिश्चियन हो, आप एक बिलीवर हो, मैं आपको मार सकता था जब तक आपका यीशु से जीवित संबंध ना हो। मेरी बिल्डिंग के नीचे एक औरत रहती थी। वो एक दिन ऊपर आके बोली कि मेरा पति मुझसे धोखा कर रहा है, वो जिस औरत के साथ धोखा कर रहा है उसे मार दो तुम जादू टोना करके, मैं कितना पैसा दूँ। मैंने कहा मैं पहले शैतान अपने पिता से पूछूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा, तुम 2 दिन बाद आना। फिर वो औरत आई और शैतान ने मुझे बताया कि एक कॉफिन बॉक्स, 21 ब्लैक कैंडल्स और उस औरत की एक मूर्ति बना करके उस कॉफिन में डाल देना। जादू टोना करने के लिए और उस औरत को मारने के लिए 21 दिन में उसकी मौत हो जाएगी। 21 दिन में हम उसका फ्यूनरल देखेंगे। तो वो औरत आई, मैंने उससे कहा मैं $10,000 तुमसे लूंगा उस औरत को मारने के लिए। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा अरे तुम्हारी मेरी जान पहचान है, मैं तुम्हारे घर भी आता था, तुम एक काम करो 7,000 देना, 30% ऑफ दे रहा हूँ तुम्हें, मैं मार दूंगा उसे, 30% ऑफ है तुमको, $7,000 दे देना बस। जब वो औरत मेरे घर से जा रही थी तो बोल के बोली, वैसे वो औरत क्रिश्चियन है? उसने कहा वो मसीही है। मैंने कहा अब मैं उसे फ्री में मारूंगा, मैंने कहा मैं उसको अब फ्री में मारूंगा, मुझे इन क्रिश्चियंस को एक सबक सिखाना है, मैं उसे अब फ्री में ही मारूंगा। मैंने कहा मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं फ्री में मारूंगा। तो मैंने उस पर तंत्र मंत्र किया, वोडू किया, लेकिन 21 दिन होने पर भी वो मरी नहीं। एक एक महीना हो गया वो मरी नहीं, और मुझे लगा अरे ये हो क्या रहा है, ये मेरी इज्जत का सवाल था। मैंने शैतान को बुलाया, मैंने दुष्ट आत्माओं को बुलाया, मैंने बढ़ा दी अपनी जादू टोना तंत्र मंत्र, मैंने उस पर दुगना जादू टोना शुरू कर दिया ताकि वो एक रात में ही मर जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ही आ गया, मैंने महसूस किया उसकी उपस्थिति आई, और शैतान ने मुझसे कहा कि हमें ये प्लान छोड़ना होगा जिस औरत को तुम मारना चाहते हो। मैंने कहा प्लान क्यों छोड़ना होगा, मेरी इज्जत दांव पे लगी है, मैं एक भूत साधक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ, अगर मैंने उसे नहीं मारा तो लोगों को लगेगा कि मेरे अंदर ताकत नहीं है। उसने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, जिस परमेश्वर की वो सेवा करती है वो उसे अकेला नहीं छोड़ता है, उसे छुओ मत। मैंने कहा कौन है ये ईश्वर? उसने कहा वो जिसकी सेवा करती है। मैं बहुत गुस्से में था, मैंने कहा नहीं एक हफ्ता और लेते हैं, चलो मारते हैं। उसने कहा नहीं, जिसकी वो सेवा करती है वो उसे अकेला नहीं छोड़ता है। जिस तरह का जादू टोना मैंने उसके ऊपर किया था ना, उसे 21 दिन से कम में मर जाना चाहिए था। और भाई कैसे हो? ये ईज़बेल है, इनके धर्म की ये ईज़बेल है। देखो ये कैसे काम करता है, ये स्टैचूज जो है इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। तो अपने खुद के लिए, मुझे उसे पहचानने के लिए इसका बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं उस आत्मा से नहीं जुड़ सकता, उस दुष्ट आत्मा से मेरी जान पहचान नहीं हो सकती, हमारे बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मैं आदमी हूँ वो एक आत्मा है और आत्माओं में भी वो दुष्ट आत्मा है, मैं उससे जुड़ी नहीं पाऊंगा। उससे जुड़ने के लिए मुझे इसको बीच में लाना ही होगा। ये इंसानों की तरह दिखते हैं लेकिन इस आदमी के पीछे भी एक कहानी है, उस कहानी की वजह से ही आप उससे जुड़ सकते हो और ये दुष्ट आत्मा उसकी वजह से चलन कर सकता है। और ऐसा ही इन लोगों के साथ भी है, बाद में इनके नाम रखे जाते हैं और इनके भी जन्मदिन होते हैं, इनके भी अपने दिन होते हैं।
किस तरह से इंसान फंस के पकड़ा जाता है इस दुष्ट आत्मिक संसार में और तंत्र मंत्र में, जानते हैं? ये वो जाल हैं जिनसे दुष्ट आत्माएं ऑपरेट करती हैं, अपना चलन करती हैं। इन्हीं मूर्तियों की वजह से इंसान अपने सारे शैतानी काम और शैतानी मजहब चला पाता है। यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे पवित्र कहा जा सके, बस एक ही है, वो हम हैं। इस जगह पे होता क्या है? वहाँ पीछे तंत्र मंत्र होता है, वूडू होता है, वहाँ कुछ मंत्र बोले जाते हैं और उससे मूर्तियाँ पवित्र की जाती हैं। ये सारी दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि आप एक नई मूर्ति खरीदें ताकि आप दुष्ट आत्मा को घर ले जा सकें। ये देखो खास प्रार्थनाएं, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। मैं भी यही किताब इस्तेमाल करता था, खास प्रार्थनाएं। इनका मकसद ही है कि आपको लगे कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इनमें कोई भी ईश्वर में बाइबल का कुछ नहीं है, ना बाइबल की कोई बात है, ना क्रूस की कोई बात है। मैं न्यूयॉर्क अमेरिका में तीसरे नंबर का वो इंसान था जिसके पास एक ऐसी किताब थी जिसमें चिन्ह बने थे सारी दुष्ट आत्माओं के और सारे हाकिमों के, और कैसे लोग ये तंत्र मंत्र सीख सकते हैं। और कोई इस तरह की किताब को नहीं रख सकता, या किसी के पास ऐसी किताब नहीं हो सकती जब तक डेविल उस पर खुद साइन ना कर दे। और मैं तीसरा वो इंसान था जिसके पास ये किताब थी, और मैं इस किताब के निशानों का इस्तेमाल करके जादू टोना करता था ताकि लोगों का दिमाग खराब हो जाए और वो बीमार पड़ जाए। जाने कैसे तंत्र मंत्र से मैं उन्हें बीमार करके लेप्रोसी, किसी को कैंसर दे देता था। मैंने लोगों के ऊपर ऐसा जादू टोना किया कि उनके साथ गर्भपात हो, उनके जीवन में अबॉर्शन आ जाए, लोग हॉस्पिटल जाएं, सर्जरी ही करवाएं, बिना सर्जरी के हॉस्पिटल में रहें। जादू टोने से मैंने लोगों को पागल भी किया है। मैंने जादू टोना करके लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माएं भेजी, बाइपोला की, सिजोफ्रेनिया की और भयानक बीमारी और सुसाइड की स्पिरिट। मैं रात भर बैठकर शैतान से घंटों बात किया करता था, जब क्रिश्चियंस यहाँ चर्च भी एक घंटे के लिए नहीं जाते, बहुत से क्रिश्चियंस एक घंटे दुआ भी नहीं करते। आत्मिक संसार ज़्यादा रियल है इस संसार से जो दिखता है, और हमने इसे महसूस किया था कि जो कुछ यीशु में ढका हुआ नहीं है उसे बहुत आसानी से टारगेट बना सकते हैं गिराने के लिए। जैसे नास्तिक लोगों को आराम से मार सकते हैं हम, यहोवा विटनेस वाले लोग आसानी से मारे जा सकते हैं, मोरमोन्स भी आसानी से मारे जा सकते हैं, और ऐसे लोग भी जो कहते हैं शैतान होता ही नहीं है वो भी बहुत आसानी से मारे जा सकते हैं, क्योंकि वो आत्मिक सहायता कभी मांगेंगे ही नहीं। मुझे याद है कि एक बार हमारे पड़ोस में निकी क्रूस का ग्रुप आया हुआ था, वो उसको ट्रूस बुलाते थे। वो चलते चलते वर्शिप करते हैं, फिर वचन का प्रचार करते हैं, फिर कहीं और निकल जाते हैं और वही करते हैं। और मैं इनके पीछे कुछ इस तरह से लगा कि इन्हें पीछे कर दूं, इन्हें कुचल दूं। और ये जवान बच्चे थे, कोई 18, कोई 19, कोई 20, कोई 16 ऐसे थे। और मैंने कहा कि ये मेरे पड़ोस में कैसे ये गंदे गाने, ये कूड़ा मेरे बगल में बजा सकते हैं, जिसे आज हम आराधना कहते हैं, ये गंदे गाने थे मेरे लिए, अब मैं इनके पीछे पड़ के इन्हें बर्बाद कर दूंगा। जब मैं वहाँ ऊपर गया तो जहाँ मतलब वो लोग थे वहाँ एक आँख की दीवार थी जिससे मैं उन्हें छू नहीं पा रहा था और ना उसके पार जा पा रहा था। किसी चीज़ ने मुझे रोका, जितनी बार भी मैंने आत्मिक शक्तियों को बोला जाओ तो वो नहीं जा पाई, वो रुकती रही, और मैं कभी भी उन बच्चों को छू नहीं पाया। मैंने कहा कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो सही से नहीं हो रहा। फिर मैं वहाँ से निकल गया, मैंने कहा अब मैं इनके साथ नहीं लगूंगा, इन्हें अकेला छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये पहला राउंड जीत गए। तो क्या इस वक्त आत्माएं हमें देख रही हैं? हाँ, वो हमें देख तो रही हैं। हाँ, वो देख रही हैं। तो हम सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। हाँ, हम सुरक्षित हैं, हम यीशु के लहू में ढके हुए हैं, यीशु के खून जैसा कुछ भी नहीं है। आमीन। वो हमें छू नहीं सकते, हमारे पास सुरक्षा का बाड़ा है, हमारे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा है भाई। हम यहाँ आ सकते हैं और हम यहाँ की दुष्ट आत्माओं के पीछे भी पड़ सकते हैं, और हम इस जमीन को यीशु के नाम से श्राप भी दे सकते हैं, और शैतान हमारा कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे पास बहुत पैसा था, बहुत बढ़िया कारें, बहुत सुंदर लड़कियां थीं, मेरे पास दुनिया का सब कुछ था। मेरे पड़ोसी मुझसे डरे हुए थे क्योंकि जो मैं था, वो कहते थे तुम इससे उलझोगे तो तुम्हारे घर के लोग मरेंगे, तुम इससे उलझे तो ये बंदूक नहीं चलाएगा, ये सोते में मार देगा सबको। मेरे बाप शैतान ने मुझे बहुत बढ़िया चीज़ें दी थी, ऐसी ताकत दी थी कि लोग मुझसे डरते थे, जैसी मैं सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि पुलिस भी मुझसे डरती थी, मेरे पड़ोस की सिक्योरिटी भी डरती थी। लोगों को ये मालूम था कि ये शैतान का बच्चा है, ऐसा कहते थे लोग। मैंने कई क्रिश्चियंस को घुटने पर ला दिया, दुआ के लिए नहीं, क्योंकि उनमें ताकत ही नहीं थी। इसलिए नहीं कि आपका परमेश्वर ताकतवर नहीं था, मुझे गलत मत समझिए, परमेश्वर तो ताकतवर था लेकिन बर्तन कमज़ोर था। बर्तन का कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, ना कोई उपवास का जीवन, और ना परमेश्वर से इसका संबंध सही है।
ये व्यक्ति भक्त जैसा बस बाहर से दिख रहा है, लेकिन कोई शक्ति नहीं है। ये व्यक्ति कमजोर है और इसके जीवन में कुछ हो भी नहीं रहा है। इसके पास बाइबल भी है, इसके पास कपड़े भी सही हैं, इसके वस्त्र सही हैं, लेकिन इसका कोई जुड़ाव नहीं है यीशु के साथ, क्योंकि ये उसकी इच्छा से बाहर है, उसकी प्रतिज्ञाओं से बाहर है और इसके डिवाइन पर्पस से भी बाहर है। इसलिए मेरा उस पर अधिकार है, मैं उसको गुलाम की तरह बना लूंगा, मैं उसे तोड़ दूंगा, उसके साथ तंत्र मंत्र करूंगा, मैं करता जाऊंगा एक मसीह से दूसरे मसीह, एक चर्च दूसरा चर्च, कई सारे, मैं हर वो चीज गिराता जाता जो यीशु के क्रूस को दिखाती थी। बहुत ही दुष्ट आत्माओं से भरी हुई जगह है, तो इस जगह का बहुत असर होगा ना आस पड़ोस पर। हाँ और क्या, ये जो पूरा एरिया है ना, ये इसी की वजह से लॉक्ड है। ये शैतान का गढ़ है, हम शैतान के गढ़ में गए थे। इस गढ़ का पूरा बाजार नरक से था। सोचिए, ये जाते हैं $100-200 लेकर के ये सब खरीदने के लिए, और इससे उन्हीं का नुकसान होता है, इससे दूसरों का, गरीबों का भला हो सकता है। इससे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी, उनकी जिंदगी और बेहतर बन सकती है। इससे वो सोचते हैं कि उनकी उन्नति होगी, उनके शाप, उनकी पीढ़ियों के शाप टूटेंगे। ये मोमबत्तियाँ, ये वूडू खरीदने से इन्हें लगता होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ मैं, बस अपनी जिंदगी मुझे दे दो और मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। लेकिन ये इन्हें नहीं चाहिए, ये उनके लिए बहुत मुश्किल है, ये तो इनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लोग इस तरह की जगह में आते हैं, $200 भी खराब करते हैं और जिंदगी सोचते हैं अच्छी हो जाएगी और बहुतायत से भर जाएगी। हेटी के ऊपर जो दुष्ट आत्मा है, उससे मेरा कांटेक्ट था, उसका नाम है कैंडेलो, उससे मेरा संपर्क था, और मायामी के दुष्ट आत्माओं से भी संपर्क था, अफ्रीका की दुष्ट आत्माओं से भी था, न्यूयॉर्क के ऊपर जो हवा के हाकिम है उनसे भी था, कुछ और भी थी जो दुनिया भर में जाना चाहती हैं। यहाँ पे एक सड़क है, वहाँ दूसरी दुष्ट आत्माएं हैं, हाकिम हैं। 42 नंबर की सड़क पर जो दुष्ट आत्मा है वो यहाँ आना चाहती थी। मैं ये कहूँगा कि मुझमें विवेक नहीं था। मैंने अपने भाई के ऊपर, सगे भाई के ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र करके उसे 5 साल की जेल करा दी। अपना खुद फ्लैश एंड ब्लड था, मेरा खुद का भाई, तंत्र मंत्र से 5 साल के लिए अंदर हो गया वो। मेरा एक और भाई था, एक बार वो मेरे घर आया था बड़े एटीट्यूड में, तो डीमन उसके ऊपर कूद गया। वो मेरे घर से ऐसे भागा, उसका पेट दर्द बहुत बढ़ गया था, मेरी माँ भी इस बात की गवाही दे सकती है। मैंने अपने शरीर के साथ बहुत सारे रीति रिवाज किए थे, इतने सारे संस्कारों से गुजरा था मैं। लास्ट वाले में मैंने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी थी। एक सेरेमनी में मैंने गन पाउडर और जानवर का खून पिया था, जिसे सैंसी कहते हैं। सैंसी हेशे और फ्रेंच की सेरेमनी है। ये एक दुष्ट आत्मा के साथ का संस्कार है, जिससे मैं किसी के घर जाके कुछ खाता हूँ तो वो उसमें जादू टोना नहीं कर पाएंगे, कुछ इस तरह की। और जो आप जानते हैं वो सब मैंने किया था। मैं जिस दुष्ट आत्मा वाले चर्च में जाता था, वहाँ एक सीक्रेट मीटिंग होती थी हर साल। हर एक बड़ा जादू टोना, तंत्र मंत्र, वॉलॉक, विचेज उसमें आते थे। वहाँ ये फैसला लिया जाता था कौन सा हाकिम किस जगह के क्षेत्र पर राज्य करेगा। हम कलीसिया से ज़्यादा संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड थे। अंधेरे का जो साम्राज्य है वो यीशु मसीह के कलीसिया से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हमें पता था सेरेमनीज कैसे करनी है। अगले साल की तैयारी इस साल के खत्म होने से पहले ही हो जाती थी। यहाँ क्रिश्चियंस 1 घंटे के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। यहाँ क्रिश्चियंस का लगातार वाला रिश्ता नहीं है चर्च में परमेश्वर के साथ। मैंने 1 साल का रेस्ट भी लेना चाहा जाता, और शैतान ने 1 साल के लिए मेरी आँखों की रोशनी ले ली। मैं 1 साल तक पूरी तरह से अंधा था, इसका सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। मैं पूरी तरह से अंधा था। वो लोग मेरी यहाँ तक तैयारी करा रहे थे कि एक देखने वाला कुत्ता ले लो, और वो जो स्टिक लेके चलते हैं ना, आपने देखा होगा वो। मेरी माँ ने 1 साल मेरा ध्यान रखा। मेरी आँखें पूरी तरह से अंधेरी हो गई थी, एक बादल जैसा धुआं मेरी आँखों के ऊपर आ गया था। मैं पूरी तरह से अंधा था, और जब मैंने शैतान को अपनी ज़िंदगी वापस दे दी, तो 7 सर्जरी के बाद मेरी शैतान ने आँखें लौटा दी, और फिर मैं दोबारा देख पाया। और ये मेरी सज़ा थी जो शैतान ने दी, कि 1 साल की छुट्टी मुझे चाहिए थी। मैं 1 साल की छुट्टी लेना चाहता था, शैतान ने कहा अच्छा छुट्टी चाहिए, ये लो, और उसने मेरी आंखें ले ली। और इस तरह की दुनिया का था मैं, कि आप शैतान से पंगा लोगे तो शैतान आपको या आपके परिवार के लोगों को मारेगा। एक तरह का डर आपको हमेशा रहेगा कि आप ये धर्म छोड़ नहीं सकते। सेंटेरिया, पोलोनियम्बे, स्पिरिचुअलिज्म, ये धर्म छूटेगा नहीं। डॉक्टरों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि मेरी आँखें कैसे गईं, जबकि मैं कहूँ क्रिश्चियंस मसीही जब गलत करते हैं या उनसे बुरा हो जाता है, तो उनके घर में जो कुछ दिखाई देता है वो है दया और अनुग्रह। लेकिन अगर आप शैतान को कुछ ऐसा दिखाते हो तो शैतान को पसंद नहीं आया तो आपको या आपके परिवार को मारता है।
मुझे याद है एक बार एक औरत को शैतान ने कहा इस आदमी से मत मिलना, उसने परवाह नहीं की क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। इसलिए शैतान ने एक दुष्ट आत्मा एक ऐसे इंसान के अंदर भेजी जो सड़क पर रहता था। उसने हथौड़े से उस औरत के सिर पर 17 बार वार करके मार दिया। एक बार मैं अपने घर में बैठा हुआ था, बहुत अमेजिंग था। मैं नाइट क्लब से लौट के आया था। मैं टीवी पर जेरी स्प्रिंगर नाम का एक शो देख रहा था। वो बड़ा अजीब सा शो है, लोग उसमें एक दूसरे को मारते हैं और मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता था। मज़े लेके मैं उसे देख रहा था, हंस रहा था और मैंने एक आवाज़ सुनी, बेटे मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी से क्या करोगे। एक सुनने वाली आवाज़ बहुत शार्प उस कमरे से आई थी। मैंने सोचा कि शायद टीवी से आई है। मैंने कहा ये टीवी से नहीं आई है क्योंकि यहाँ तो लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मैं शैतान की भी आवाज़ पहचानता था। शैतान के साथ तो मैं ऐसे बैठता था जैसे आपके साथ बैठा हूँ। कभी वो इंसान के रूप में भी आता था, कभी वो कमरे में उसकी उपस्थिति आती थी। उसकी उपस्थिति आते ही कमरे का माहौल बदल जाता था। वो मेरे सामने बैठा करता था और मेरे कॉन्शियस से बात करता था। हम रात भर ऐसे बात किया करते थे। मुझे उसकी आवाज़ पता थी। ये मुझे ऐसे पता था जैसे आपको अपने हाथ पैर पता है। मुझे हर एक हाकिम के बारे में जो कनाडा पे या अमेरिका पे या कहीं का भी हाकिम हो पता था उसके बारे में। हर प्रिंसिपलिटी जो किसी मजहब की थी वो भी मुझे पता थी, चाहे वो कोई ऑकल्ट हो, न्यू एज हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, सेंटेरिया हो या स्पिरिचुअलिज्म हो। मुझे हर एक दुष्ट आत्मा का पता था। हर एक हाकिम के प्रिंसिपलिटीज़ का मार्क मेरे पास था, ज़मीन की दुष्ट आत्माओं का भी और शैतान का, इज़बेल का। मैं हर एक के नाम बता सकता हूँ जिनके नाम आप भी नहीं जानते होंगे। मैं उनको नाम से जानता था, लेकिन ये आवाज़ उन सब आवाज़ों से बहुत अलग थी। वो आवाज़ जाने कहाँ से आई थी, वो हवा से आई थी वो आवाज़। मैं एक तरह के सदमे में आ गया और फिर मैंने एक तरह का दर्शन पाया अपने अपार्टमेंट के दूसरी तरफ। मैंने देखा कि पूरे आसमान में आग है और नीचे के जो लोग हैं वो उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं कि कोई जगह मिल जाए शायद। मैंने कहा ये कैसा दर्शन, मैंने उसे छोड़ दिया। और फिर मुझे याद है जब मैं सोने गया, बहुत गहरी नींद थी और मैंने एक टी शर्ट मुँह पर डाली, मैं सो गया और मैंने देखा कि मैं एक ट्रेन में हूँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था मैं ट्रेन में क्या कर रहा हूँ। ये ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि आप समझ नहीं सकते, मैं पृथ्वी पर इतनी तेज़ किसी चीज़ में नहीं चढ़ा। और ये ट्रेन नर्क में आ गई, यीशु मसीह मुझे नर्क ले आए। और जब मैं नर्क में पहुंचा तो वो ट्रेन दरवाजे से बहुत कस के लड़ गई। एक इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि सब खुल गया और बहुत गर्मी बाहर आ रही थी ना जाने कहाँ से। वहाँ सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं ट्रेन से जैसे बाहर आया तो उसमें जो लोग थे उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। वो डर आप महसूस कर सकते थे। ये डर इस बात का था कि आप वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे और ये जगह पूरी भरी हुई थी। और मैंने कहा मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, मैं यहाँ नहीं मर सकता ना, मुझे यहाँ नहीं मरना, ये मेरे लिए नहीं है। मैं यहाँ के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रहने वाला। इसलिए मैं एक कोई सुरंग ढूंढने लगा जहाँ से मैं निकल सकूँ। तो मैं सुरंग ढूंढने के लिए आगे गया, या कोई खिड़की ढूंढने, या कोई हो सकता है वहाँ कोई जगह दिख जाए जहाँ से मैं बाहर आ सकूँ और मैं अपनी रियलिटी में लौट सकूँ। लेकिन वहाँ कोई गैप नहीं था। मुझे याद है वहाँ जितना मैं आगे उस सुरंग में जा रहा था उतना ज़्यादा मुझे डर घेर रहा था और मुझे लोगों की तकलीफ़ें सुनाई दे रही थी, आवाज़ें। वहाँ अंधेरा और डर ओढ़ लेता है जैसे कोई कपड़ा पहन लिया हो, वो आपको लपेट जैसा लेता है। वहाँ आपका कोई बस नहीं चलता है, कुछ जकड़ जैसा लेता है, वो आपको जाने नहीं देता। यहाँ तक कि मैं अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। वो एक पर्दे की तरह था, जैसे आप किसी बच्चे के कुएं या जानवर के कुएं में गए हैं। ये कुएं जैसा नहीं था, मैं समझा नहीं पाऊंगा इसे। और इसमें से बहुत गर्मी और बदबू बाहर रही थी, ऐसा जैसे न्यूयॉर्क सिटी के गटर खुल गए हों। वहाँ वो बहुत ही बहुत अजीब सा, बहुत अजीब। और जब मैं आगे गया तो वहाँ मुझे याद है आगे शैतान मिला। उसने कहा मैं तुम्हारा बाप था। वो डिमोनिक टंग्स में बोल रहा था कि मैं तुम्हारा बाप था, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया जो चाहिए था, मैंने तुम्हारी केयर की, मैंने तुम्हें आशीष दी, मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन दी, मैंने तुम्हारे लिए लोगों को मारा है, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें पावर दी, तुम्हें तुम्हारा नाम बनाया इस साम्राज्य में, जो तुम्हारे विरोध में उठे उन्हें मार दिया क्योंकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला था अपने राज्य को लाने के लिए पृथ्वी पर, और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे धोखा करना चाहते हो। और ये सब डिमोनिक टंग्स में हो रही थी और मैं भी उससे दुष्ट आत्माओं की अन्य भाषा में बराबर बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बस कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उसने कहा नहीं, मुझे मालूम है तुम क्या करोगे, तुम मेरे धर्म को एक्सपोज करोगे कि मैं कौन हूँ और मेरे आत्मिक संसार में कैसे काम करता हूँ। मैंने तुम्हें वो चीज़ें बताई हैं जो किसी को नहीं बताई,
क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता था कि तुम मेरे राज्य को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि मैं और तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था बड़े पैमाने पर। और कंफ्यूज होकर उसने मेरी गर्दन पकड़नी चाही, और जैसे ही मुझे मारने के लिए उसने गर्दन पकड़नी चाही, एक क्रॉस मेरे हाथ में यीशु मसीह का आया। और न जाने 3-4 क्रॉस कैसे नर्क में आ गए जब मैंने ब्लू शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी। और जैसे ही मैंने वो क्रूस उसके ऊपर छुआया, वो ऐसे पिघल गया जैसे वो कोई बच्चा हो। वो एक बच्चे की तरह जमीन पर गिर पड़ा और उसमें कोई ताकत नहीं थी। और फिर मैंने उस मौके का फायदा उठा करके भागना शुरू किया उस तरफ जिधर दरवाजा लग रहा था मुझे, या शायद वहां कोई मुझे दरवाजा दिखाई दे जाए। जो मेरी उम्मीद थी वहां आशा जो थी वो ऐसी थी जैसे वहां किसी तरह की कोई आशा ही ना हो। वहां कभी ऐसा नहीं लगता कि आप बाहर आ पाएंगे, बस यही आपका द एंड है। जिस डर ने उस वक्त मुझे पकड़ रखा था, वो डर मैं समझा नहीं पाऊंगा। ऐसा डर मुझे कभी नहीं लगा। मैंने उस तरह की निराशा कभी महसूस ही नहीं की थी। ये बिल्कुल स्वर्ग का ऑपोजिट था। वो खुशी और आनंद का ऑपोजिट था, शांति का ऑपोजिट था, जीवन और उजाले का ऑपोजिट था। ये जगह तो अंधकार और तड़प की जगह थी। अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे परिवार मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मेरी पत्नी, मेरी बेटी मुझे कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। अब जब मैं उस सुरंग के और गहरे में जा रहा था, ये सोचते हुए कि वहाँ शायद कोई दरवाज़ा हो या किसी तरह की कोई दरार वहाँ हो, वहाँ शैतान फिर से दिखाई दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब समर्पण के समय में मैंने तुम्हारे शरीर पर कुछ दुष्ट आत्माओं की भाषा में निशान बनवाए थे जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इससे मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा, अरे बेवकूफ, ये मेरे निशान है, ये इस बात के निशान है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, कोई और तुम्हारा मालिक नहीं है, मैं हूँ। या तो तुम मेरे लिए जियोगे या तो मरोगे। और फिर जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए मुझे दोबारा पकड़ने के लिए, मैंने तो सोचा मेरी कहानी खत्म, अब वो मुझे दूसरी बार पकड़ने आया है। क्रूस यीशु मसीह का बीच में आ गया नरक में। कोई प्यार नहीं है क्रूस से पढ़ के जो मेरे जैसे पापी के लिए आए नरक में। दाऊद कहता है कि अगर मैं अपना बिछौना अधोलोक में भी बिछाऊं तो उसे पता है। अनुग्रह और सच्चाई नरक में दिखाई दी। अनुग्रह और सच्चाई को मेरे बारे में पता था। अनुग्रह और सच्चाई की मेरी जिंदगी में एक योजना थी। मेरे गलत, शैतानी, घमंडी और खुदगर्ज और स्वार्थीपन का जब अंत हो गया नरक में, जब मेरा समय भी पूरा हो गया था, तब यीशु मसीह दिखाई देते हैं मेरे जैसे मिसफिट के लिए और कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास योजना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ जितना तुम सोच नहीं सकते। वो मुझे नरक में दिखाई दिए, और जब मैं वापस आया, मेरी आत्मा शरीर में वापस आई, तब मैंने अपने घुटने टेके यीशु मसीह के नाम से। मेरे पास $1,00,000 का सामान था तंत्र मंत्र का, मैंने फेंक दिया। मैंने तंत्र मंत्र सब फेंक दिया। मैंने अंधेरे के साम्राज्य से जुड़ी हर एक चीज़ फेंक दी। हेटी के लोग और क्यूबा के लोग और मायामी न्यूयॉर्क के लोगों ने सोचा कि इसे मार दे, क्योंकि ये बहुत जानता है, क्योंकि इसे बहुत कुछ पता है, इसलिए इसे मारना चाहिए। हमें इसे मारना ही होगा क्योंकि ये बहुत कुछ जानता है। ये अब हम में से एक नहीं रहा, इससे मारना तो जरूर है। वो आए मुझे मारने के लिए। उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दिन में सोने लगा था क्योंकि दिन और रात दुष्ट आत्माएं आती थी और मुझे बहुत टॉर्मेंट करती थी, बहुत सताती थी। ये सब 30 दिन तक चलता रहा। 30 दिन तक वो मेरे गले को पकड़ते थे, वो मेरे बिस्तर को मुझे उठा के फेंक देते थे। मैं बिस्तर पर लेटे महसूस करता कोई मेरे बगल में लेटा हुआ है, बर्फ के जैसा कोई ठंडा, और जैसे मैं मुड़ के देखता तो मैंने डेविल को खुद देखा वहां लेटे हुए। ये सब चलता रहा 30 दिन तक, एक के बाद एक। मुझे सताया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, पागल करने की कोशिश की जा रही थी, मेरे शरीर से मेरी आत्मा खींचने की कोशिश की जा रही थी। मैं रात में ऐसे डरता था जैसे रात में कभी नहीं डरा। 30 दिन तक मैं चिल्लाता रहा और मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था, सिर्फ बोलता था जीसस जीसस जीसस। प्रार्थना आती नहीं थी तो वो बहन तो इस तरह से चर्च में प्रार्थना करती, लो वो भाई ऐसे प्रार्थना करता है। मैं सारी दुआओं को मिला जुला के करता था ताकि मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ सकूं। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं चर्च में आराधना कर रहा था और मेरे दिमाग में सवाल चल रहे थे कि क्यों तूने मेरे साथ ये सब होने दिया प्रभु। और उस दिन मैंने ये आवाज़ सुनी कि मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। और उसने कहा, मैं देखना चाहता था तुम कितना भरोसा करते हो मुझ पे।
और उस दिन के बाद से शैतान कभी आगे को मेरे पीछे नहीं पड़ा। मैं यीशु के लिए एक इवेंजलिस्ट बन गया। तब से लेकर आज तक 14 साल हो गए हैं प्रभु की सेवा करते करते, और मैं इस चीज को किसी भी चीज से सौदा नहीं करूंगा। और मुझे पता है हालेलुया नाम की सड़क पर जॉन रिमेरिस का एक बड़ा बंगला है। एक दिन वो कहेगा, तेरा स्वागत है विश्वास योग्य दास।